संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कर्म प्रवचनिया को बहुत समय हो गया है, तो अब उम्मीद है कर्म प्रवचनिया एक आज और एक अगली वीडियो और बनेगी, दो वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे, विस्तृत में अध्ययन करेंगे, क्योंकि विस्तृत में अध्ययन करने में जो व्यवस्था मस्तिष्क में रहती है वो कभी गलत नहीं होती और वो हमेशा पेपरों में, परीक्षाओं में काम देती है। कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय में हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में संपूर्ण जान लिया है और अब हम पंचमी विभक्ति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सूत्र ले लेते हैं, हालांकि मैंने सूत्र लिखा दिए थे, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। पहला ही सूत्र है पंचम्या पांग, परिभी, ठीक है। दूसरा है प्रति प्रतिनिधि, प्रति प्रतिनिधि, प्रतिदानयो। तीसरा है परि वर्जने। चौथा है आंग मर्यादा वचने। पांचवा है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदाने चायस्मात। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदाने चायस्मात। ठीक है, तो हम यहीं शुरू से लेते हैं। पंचम्यां, पंचम्य अप आं परि प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो। प्रति अप परिवर्जने, इसमें भी आ गया अप। अब यहां पर ये चार हैं, चार निपातों की उपसर्ग संज्ञा होगी। ये निपात गिनाने वाले सूत्र हैं, लेकिन निपातों को कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा वो हमारे ये हैं। अप परिवर्जने ये बता रहा है कि परि और अप, अप और परि, इन दो निपातों की वर्जन के अर्थ में, वर्जना का मतलब छोड़ करके, वर्जन का मतलब क्या होता, छोड़ करके अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। आंग मर्यादा वचने, आंग की मर्यादा वचन में, वचन का सीधा तात्पर्य होता है किसी चीज की एक अभिअवधि जो होती है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे आ हिमालयात, यानी कि एक सीमा है, जो सीमा है उसी का नाम यहां वचन के रूप में, मर्यादा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो वहां अंग का ही प्रयोग किया जाएगा, अर्थात वहां उसकी अंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। प्रतिनिधि प्रतिदानी चाहे अस्मात, और प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा दो स्थितियों में होगा, प्रतिनिधि की स्थिति में होगा। जैसे हिंदुस्तान का प्रतिनिधि, यानी हिंदुस्तान में जब कोई नेता होता है, वो कभी विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं किसी विशेष संगठनों में, तो वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधि होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत में पांडवों की तरफ से जो शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, तो प्रतिनिधि पांडवों की तरफ से किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। या उनके स्थान पर कोई और आ जाए, प्रद्युम्न को कृष्ण का प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह से जो भी जिसके स्थान पर प्रयोग हो, प्रतिनिधित्व करते हो, वो प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी।
प्रतिदाने का सीधा तात्पर्य होता है किसी के बदले में कोई चीज लेना। इसको आज की भाषा में विनिमय, विनिमय के नाम से भी जान सकते हैं, विनिमयम के नाम से, जैसे अदला बदली करना। ठीक है, तुम्हारे पास गेहूं है और मेरे पास उड़द है, उड़द ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, आपके पास गेहूं है, गेहूं आवश्यकता से ज्यादा है, तो हम आवश्यकता आपको उड़द की है, मुझे गेहूं की, हम दोनों इसको बदला कर लेंगे, एक दूसरे से बदल लेंगे गेहूं से उड़द, उड़द के लिए उड़द से गेहूं को, तो वो विनिमय आएगा, प्रतिदाने के स्थान पर आएगा। तो उसमें प्रति का भी प्रयोग इसमें भी किया जाता है। तो इस तरह से हम इसके एक एक करके उदाहरण देखेंगे। मात्र तीन सूत्र हैं, ये दोनों तो ये बताने वाले हैं कि अप, अंग, परि और प्रति, इस तरह से बताने के वाले हैं। बाद बाकी ये तीन सूत्र हैं, ये बताते हैं कि कहां किसकी प्रवचनी संज्ञा कैसे होगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, जयपुर को छोड़कर पूर्व दिशा में बादल बरसा। जयपुर को छोड़कर पूर्व दिशा में बादल बरसा। जिसको छोड़ा जाए उससे सीधे पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जयपुर में सीधे पंचमी आ जाएगी, तो अप का यहां प्रयोग किया जाएगा। अप परिवर्जन, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अपी का भी कर सकते हैं, परी का भी कर सकते हैं। तो अप जयपुरात, अप जयपुरात का भी प्रयोग कर सकते हैं, जयपुर नगरात का भी प्रयोग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो पूर्वस्याम दिशि अवर्षित मेघा। अप जयपुरात, बस इतना ही उदाहरण है इसमें। ठीक है, प्रताप नगर को छोड़कर पक्की सड़क है। सभी जगह प्रताप नगर छोड़ दिया है, बाकी सभी जगह पक्की सड़क है। तो प्रताप नगर को छोड़ा है, तो प्रताप नगर में सीधे पंचमी का प्रयोग करेगा। इसमें परी का प्रयोग करेंगे हम, परी प्रताप नगरात सुदृढ़ मार्गः। ठीक, तो पंचमी व्यक्ति का इसमें प्रयोग कर लिया गया है। पटना तक गंगा स्वच्छ है, पटना तक गंगा स्वच्छ है, याद रखना है, ये मर्यादा वचन में प्रयोग कर रहे हैं। तो आंग का इसमें प्रयोग किया जाएगा, और जहां तक यानी सीमा बन गई उसकी, उसमें सीधे पंचमी का प्रयोग किया जाता है। आ पाटलिपुत्रात गंगा निर्मला या अस्ति, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको मैं जल्दी समझा रहा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, जो कुछ था वो खत्म हो गया इसमें। आंग का हो गया, अब हम इसका प्रति का देखते हैं। तिलों के बदले उड़द देता है, तिलों के बदले उड़द देता है, तो जिसके बदले जो चीज, यस्मात, जिससे जो चीज बदली जाए, तो तिलों से बदले जा रहे हैं उड़द, तो तिलों से क्या बन जाएगा, तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान।
ठीक है, तिलभ्य प्रत्यक्षति मासाम, सीधे इन पर प्रयोग कर लीजिए। यस्मात से यहां सीधे तात्पर्य है, जिससे जो चीज बदली जाए, तो तिलों के बदले उड़द देता है, तिल के बदले है, तो तिल बदले, तिल के बदले लिए जा रहे हैं, तो तिलोभ्याम सीधे इसमें प्रयोग। और मास यानी उड़द के बदले तिल लेता है, तिल देता है, तो उसमें उड़द में होती। तो चलिए एक उदाहरण और देखेंगे इसका। प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है, प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है, जिसका प्रतिनिधि होगा। यस्मात शब्द याद रखना है, यस्मात सीधे पंचमी, जिससे यानी जिसका यानी कृष्ण का प्रतिनिधि है, तो कृष्ण का प्रतिनिधि है, तो कृष्ण से पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, केवल प्रति का प्रयोग, प्रति बस इतना ही प्रयोग कर ली। प्रद्युम्ना कृष्णात् प्रति यानी प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो ये मैंने जब ये पहले भी बता दिए थे, इनको तो केवल उदाहरण के रूप में थोड़ा सा समझाना था, उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ही है।